दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की है, यानी गुजरात स्टेट की है। दोस्तों पोस्ट का नाम विद्युत सहायक है, प्लांट अटेंडेड, ग्रेड फर्स्ट है। अगर आप भी है क्वालिफाइड तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप भी योग्यता रखते हैं तो इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। क्या है एडवर्टाइजमेंट की योग्यता के लिए शर्तें, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कितनी एज है और कितनी कुल सीटें हैं, सभी एक एक पॉइंट पर अपन बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए बात करेंगे सबसे पहले कि अप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई यानी अप्लीकेशन जो है वो केवल मात्र ऑनलाइन ही सबमिट करना है, और इसके लिए वेबसाइट है www.gsecl.in, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड .in। ऑनलाइन अप्लीकेशन 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 25 फरवरी 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके लिए लास्ट डेट है 17 मार्च 2020। ध्यान रखें अभी तक समय है, आप अगर क्वालिफाइड है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी याद रखें लास्ट डेट कौन सी है, 17 मार्च 2020। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी पोस्ट कितनी है और क्या क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। देखिए विद्युत सहायक यानी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, प्लांट अटेंडेंट, ग्रेड फर्स्ट, दो तरह की वैकेंसी है। एक प्लांट अटेंडेड इलेक्ट्रिकल, दूसरा प्लांट अटेंडेड मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा सीटें हैं यानी कुल 111 सीट है, जबकि मैकेनिकल की मात्र 66 यानी 66 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है वो देखिए आप लोग, कि डिप्लोमा मांगा गया है। तो आप में से जो भी डिप्लोमा होल्डर है, ध्यान रखें दोस्तों ITI नहीं मांगे है। ITI के लिए विद्युत सहायक की वैकेंसी अभी लास्ट पीछे आई थी, एग्ज़ाम उसके हो चुके हैं, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। तो अगर आप भी डिप्लोमा होल्डर हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन डिप्लोमा वाले ध्यान रखें कि क्वालिफिकेशन क्या है, कि फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इन रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ड्यूली अप्रूव्ड बाई UGC विद मिनिमम 55% इन लास्ट ईयर, यानी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर जो है ना आपके, उसमें 55% होने चाहिए। जो आपके लास्ट दो सेमेस्टर है एक वर्ष का, जो 3 ईयर डिप्लोमा है, तो लास्ट के एक वर्ष का यानी जो पांचवा और छठा सेमेस्टर है उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से मैकेनिकल वालों के लिए है कि फुल टाइम डिप्लोमा विद मैकेनिकल, और वही 55% लास्ट ईयर में यानी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में है। यानी कुल 177 पोस्ट हैं दोस्तों दोनों मिलाकर के, और एज पर रिजर्वेशन ये सीटें डिवाइड भी है। यानी जो भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है उसका एज पर रिजर्वेशन है। दोस्तों ध्यान रखें कि BTEC वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, और इसके लिए उन्होंने स्पष्ट नोट डाल दिया है, स्पष्ट मना भी कि उन्होंने कर दिया है। BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTEC यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री होल्डर बींग ओवर क्वालिफाइड नीड नोट टू अप्लाई, यानी ओवर क्वालिफाइड माने जाएंगे, उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो ही अप्लाई करें। चलिए दोस्तों बात करेंगे सैलरी और फिक्स रेन्यूमरेशन पर। तो सबसे पहले आपको एक वर्ष के लिए फिक्स रेम्यूनरेशन मिलेगा, यानी नियत पारिश्रमिक मिलेगा जो 17,500 रुपये है। उसके बाद में सेकेंड ईयर से आपका 5 वर्ष तक इंक्रीमेंटल सिस्टम शुरू हो जाएगा, यानी आपको लगातार इंक्रीमेंट वगैरह मिलेंगे, और अदर बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे आपको। अदर बेनिफिट उसके बाद मिलेंगे और आपको फर्दर पोस्ट के लिए रेगुलर कर दिया जाएगा। स्कोप क्या है अगर मैं बात करूँ वर्क के लिए, कैरियर का स्कोप क्या है, ठीक है, तो कंप्लीट इन्होंने बता दिया है। सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी एक विद्युत सहायक के रूप में 5 वर्ष तक आपको दिया जाएगा, यानी प्लांट अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के बारे में, और उसके बाद में आपको कंसीडर किया जाएगा अपॉइंटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट।
जब आपके 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे विद्युत सहायक के रूप में, तो फिर आपको प्लांट अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के रूप में आपको रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ये मैक्सिमम ध्यान रखिएगा है ना, अपर एज लिमिट है 35 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व या EWS कैटेगरी है तो उनके लिए 40 ईयर की है। और एज की गणना कब की जाएगी, 25 फरवरी 2020 के हिसाब से। और अपर एज रिलेशन में जो छूट है तो वो फीमेल कैंडिडेट को 5 वर्ष की है, और कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उनको 10 वर्ष की छूट भी है। देखिए वैकेंसी के बारे में अगर बात करें अपन, एज पर रिजर्वेशन कितनी कितनी है, तो टोटल 177 है। इस 177 को ही उन्होंने डिवाइड किया है, ध्यान रखें 111 प्लस 66 दोनों को जोड़ दिया इन्होंने और एक साथ दे दिया इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि EWS को कोटा मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छी बात है, अगर आप EWS में आते हैं तो ज़रूर आप EWS में अप्लाई करें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेल फीमेल दोनों के लिए रिजर्वेशन है, फीमेल के लिए रिजर्वेशन होना बड़ी बात है, तो ज़रूर फीमेल कैंडिडेट तो अप्लाई इसमें करें। अनरिजर्व के लिए देखिए मेल में 74, फीमेल में 34, EWS में भी इसी तरह से दिया है, मेल के लिए 12, फीमेल के लिए 5, SBC और SC ST टोटल सबके लिए दे रखा है, इसके अलावा PWD को भी दिया है, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जितने भी है, विडो कैटेगरी भी है इसमें। देखो फीस के बारे में बात करें अपन, ध्यान रखें नॉन रिफंडेबल है, स्पष्ट इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है, यानी किसी भी सूरत में आपको वापस नहीं मिलेगा ये, ठीक है। और अनरिजर्व EWS और SEBC कैटेगरी से जितने भी है, OBC कह सकते हैं अपन, उन सब के लिए 500 रुपये की है, जबकि SC ST कैंडिडेट जो है उन सब के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं आप, इसके कई सारे ऑप्शन है। रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, कम्प्लीटली इन्होंने डेटा अपन को दे दिया है, CBT होगा ये ध्यान रखें, और ठीक है लिख भी दिया, दी एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट बाय ऑनलाइन मोड कंसीडरिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर, यानी जो इतने कैंडिडेट रजिस्टर किए जाते हैं उस पर डिपेंड होगा, यानी शिफ्ट कितनी लगती है, ठीक है। और इसके लिए देखिए इन्होंने टेंटेटिव सिलेबस भी दिया है, सिलेबस के लिए देखिए इन्होंने 5 पार्ट दे दिए हैं, ठीक है 5 पार्ट। दोस्तों याद रखें सबसे बड़ा इसमें कि गुजराती लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है, अगर आप गुजराती अच्छी तरह जानते हैं तो अप्लाई करें, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहाँ पर। तो सेक्शन फर्स्ट गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर से संबंधित 10% आएगा, सेक्शन सेकंड में जनरल नॉलेज से संबंधित 10%, इंग्लिश आएगी 10%, कंप्यूटर होगा 10% एंड सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो होगा 60%, यानी टोटल 100% हो गया, ठीक है। अब देखिए इसने अलग अलग भी दिया है, मैकेनिकल स्ट्रीम वाले हैं तो उनके लिए अलग अलग टॉपिक दे दिया कि कैसे कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इनके लिए देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल दे दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल दे दिया, DC मशीन, AC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर, एनालॉग सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, ठीक है। देखिए टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, और पेपर की सबसे बड़ी चीज़ देखो, इंग्लिश एंड गुजराती दो ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज ही नहीं आएगी, ध्यान रखें दोस्तों, इसलिए आपको गुजराती जानना बहुत ज़रूरी है, गुजराती जानते हैं तो ही अप्लाई करें, याद रखें गुजराती ही अलाउड है, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की नहीं है ना, जिनको गुजराती लैंग्वेज आती है वो अलाउड है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखिएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वालिफिकेशन के लिए देखो मिनिमम क्राइटेरिया क्या दिया है कि अनरिजर्व और EWS कैटेगरी से जितने भी है उनके लिए ध्यान रखें 50% एंड मोर देन, यानी कम से कम 50% या इससे अबोव मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, और अदर रिजर्व जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए 45 एंड अबोव, यानी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है और आपके मार्क्स 50 से कम है तो चाहे सीटें खाली रह जाए लेकिन आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करवाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा।
तो ज़रूर आप लोग अगर डिप्लोमा होल्डर है, ध्यान रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, डिप्लोमा होल्डर होना ज़रूरी है और नॉलेज ऑफ गुजराती इज़ असेंशियल, यानी आप गुजराती है जानते हैं या गुजराती लैंग्वेज आपको आती है तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें।